गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में बेटा बच्चों, मैं आपको शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक पढ़ा रही थी, उसके अंदर मैं आपको शिक्षण सूत्र के बारे में अध्ययन करवाया। उनके पांच शिक्षण सूत्र मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए, वो पांच हमारे शिक्षण सूत्र थे। पहला हमारा शिक्षण सूत्र था सरल से जटिल की ओर, सेकंड था हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड था हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर, फोर्थ था हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर, और पांचवा हमारा जो शिक्षण सूत्र था वो था विशेष से सामान्य की ओर। आज जो मैं शिक्षण सूत्र बताऊंगी आपको, वो हमारे आगे के पांच शिक्षण सूत्र में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपके शिक्षण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे जो हम टीचिंग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं हमारे, उनमें सभी में ही हमारे शिक्षण सूत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें। इसमें जो हमने मैंने पांच आपको शिक्षण सूत्र लास्ट वीडियो में बताए थे, पांच मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सिक्स नंबर पे हमारा शिक्षण सूत्र है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ये हमारा सिक्स नंबर का हमारा शिक्षण बिंदु है। इसमें बच्चों मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसमें हम जब बच्चों को, जब हमारे शिक्षक बच्चों को अध्ययन करवाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें क्या ध्यान में रखना होता है, बच्चों का स्तर। अर्थात शिक्षक अगर वो ज्ञान देंगे तो वो किस आधार पर देंगे, बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर, उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर, इस आधार पर वो बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो जब शिक्षक बच्चों की इस प्रवृत्ति का ज्ञान जानते हैं, तो हम उसे किसकी श्रेणी लेंगे, हम उन्हें मनोवैज्ञानिक कहेंगे। कि जब शिक्षक हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जिसके बाद में वो हमारे जो शिक्षा है उसे तार्किक रूप में व्यवस्थित करते हैं। हमारी जब पहले हमें पढ़ाया जाए कि हमें उनकी उसकी योग्यता किस तरह से, उसमें क्या योग्यता है, मानसिक योग्यता किस तरीके से, हम छात्र में इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं, जो हम अधिगम करवा रहे हैं उस अधिगम में किस तरीके से उन्हें इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं, और उसके बाद में शिक्षक क्या करते हैं, उसके लिए उन्हें एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करते हैं कि किस मेथड से कौन सा बिंदु उन्हें पहले पढ़ाना है, कौन सा बिंदु उन्हें बाद में पढ़ाना है। अर्थात ये शिक्षण सूत्र होता है कि हमें सबसे पहले बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करनी चाहिए। तो यही हमारे शिक्षाविद इस चीज को मानते थे कि जब भी हम शिक्षण करवाएं, जब भी अध्यापक बच्चों को शिक्षण करवाएं, तो शिक्षण में बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक उनकी मनोप्रवृत्ति है उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को तार्किक रूप में व्यवस्थित करें, उन्हें क्रम प्रदान करें कि किस तरीके से हमें शिक्षण करवाना है। तो यह है कि हमें पहले क्या पढ़ाना है, इसके बाद में हमें क्या, इसमें किन प्रवृत्तियों का या हम कहें किन विधियों का हमें प्रयोग करना है, ये सब हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया के अहम हिस्से होते हैं। इसे शिक्षक छात्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इसे मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर ये शिक्षण सूत्र से हम कार्य करते हैं। सेवन नंबर पे है हमारा सिक्स था हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, सेवन है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
बच्चों ये हमने देखा है कि शिक्षण प्रक्रिया का ये सबसे अहम हिस्सा होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं तब भी वो क्या करते हैं, पहले विश्लेषण करते हैं, यानी कि वो छात्र के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं, तभी वो एंड में उसका जो उनका रिजल्ट होता है निष्कर्ष निकल के सामने आता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि जब शिक्षक बच्चों को अध्ययन करवाएं, शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करें, तो हम मानते हैं कि उसका विभाजन कर दिया जाता है, विश्लेषित कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हम विश्लेषित ना करें तो इसमें क्या होगा, जो हम समग्र ज्ञान बच्चों को एक साथ देना चाह रहे हैं, क्या हम वो ज्ञान एक साथ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो ज्ञान कब पूर्ण होता है, जब हमारा उसका प्रत्येक पक्ष मजबूत होता है, और मजबूत कब होगा, जब हम जिस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं उसके प्रत्येक पक्ष हमें आना चाहिए, या हम कहें कि प्रत्येक पक्ष का ज्ञान हमें उस चीज के बारे में होना चाहिए। अगर हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना है तो हम विश्लेषित करके ही हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसमें एक चीज ये भी है कि हमारा जो विश्लेषण और संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो एक दूसरे की पूरक होती है, क्योंकि जब तक हम संश्लेषण से हम विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि पाठ वो ही होता है, ज्ञान तो हम उसी का ही कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषण में तो हम उसे विभाजित कर देते हैं और संश्लेषण में हम उसी ज्ञान को जोड़ देते हैं। इसीलिए विश्लेषण और संश्लेषण ये एक दूसरे की पूरक क्रिया कहलाती है। ये दोनों छात्र को स्पष्ट एवं निश्चित और सुव्यवस्थित ज्ञान प्रदान होता है, इसीलिए हम विश्लेषण और संश्लेषण की ओर जाते हैं। एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के ज्ञान को भार ना समझें, इसलिए भी हम विश्लेषण करते हैं, क्योंकि जब हम एक साथ पूर्ण ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान हमें एक तरीके से भार लगने लगता है। हम उसका सारांश जहां हम उसे एक साथ उसको ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक कठिनाई अनुभव होती है, वो कठिनाई दूर करने के लिए, ज्ञान के प्रत्येक पक्ष को मजबूत करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना होता है, विश्लेषण करना होता है। इसीलिए विश्लेषण जब भी हमें ज्ञान प्राप्त करें तो शिक्षाविदों का ये मानना है कि हमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना चाहिए, जिससे कि हम जिस विषय वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। तो हमारा जो सेविंग हमारा शिक्षण सूत्र है वो है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब आता है हमारा बच्चों 8 नंबर का जो हमारा शिक्षण सूत्र है वो है हमारा पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये हमारा 8 नंबर का हमारा शिक्षण बिंदु है, पूर्ण से अंश की ओर। ये हम कहते हैं कि ये जो हमारे गेस्टॉल या हमारे समस्त मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है, यानी कि हम क्या करते हैं कि हमें किस तरीके से पूर्ण रूप से, यानी कि हम उसके प्रतिफल को जान लेते हैं कि क्या होने वाला है, काल्पनिक हम सोच लेते हैं कि हम कल्पना कर लेते हैं कि हम ये कार्य ऐसे करेंगे तो हमें इसका ये रिजल्ट, यानी कि पूर्ण हम उसको पहले संज्ञान करते, उसकी पहचान कर लेते हैं कि हमें इस कार्य को करने से हमें ये प्राप्त होने वाला, अर्थात हमें उस निष्कर्ष की संभावनाएं हो जाती हैं। इसमें बताया गया है कि हम क्या करते हैं, इसके बाद में जो इसके अंश हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कि हम ये देख लेते हैं कि इसका पूर्ण स्वरूप, पूर्ण ज्ञान हम एक अनुभव कर लेते हैं, लेकिन उसके जो विभिन्न पक्ष हैं उसे हम बाद में देखते हैं। इसके लिए हम कहें बच्चों कि हम एग्जाम्पल ले लें कि हमने कोई वृक्ष देखा है, हम उस वृक्ष की पहचान करते हैं कि ये वृक्ष किस चीज का है, लेकिन जो वृक्ष है उसके जो विभिन्न भाग हैं, जो उसके छोटे छोटे अंश हैं, उसकी टहनी, उसके तने, उसकी जड़ें, इनके जो विभिन्न पक्ष हैं, वो उसके छोटे छोटे अंश हैं, उनका ज्ञान हम बाद में प्राप्त करते हैं, यानी कि हमने पहचान
ज्ञान की वो हमारे लिए पूर्ण ज्ञान हो गया कि ये किसका वृक्ष है। हम ये कहें कि पीपल का वृक्ष है, हम ये कहें नीम का वृक्ष है, लेकिन उन नीम के वृक्ष की जो विभिन्न जो शाखाएं हैं, उसके जो विभिन्न अंश हैं, जो हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित, अंश का मतलब छोटे छोटे उसके टुकड़े, उसकी ओर हम बाद में जाते हैं। किसकी टहनी कितनी लंबी है, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई है, इसकी पत्तियां क्यों सूख गई, यानी कि उसके जो विभिन्न भाग हैं, हम उनका अध्ययन बाद में करते हैं। तो इसमें वही चीज बताई गई है जो हमारे गैस्ट्रोवादी और हमारे समिष्ट के मनोवैज्ञानिक थे, वो इस चीज को मानते थे कि हमें पहले पूर्ण ज्ञान का अनुमान होना चाहिए, या हम कहें कि हमें पूर्ण ज्ञान की पहचान होनी चाहिए, उसके बाद में हम उसके विभिन्न भागों का ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सभी जो हमारे शिक्षाविद थे, सबके अपने अनुभव थे। मैंने पहले भी बताया था कि हम जो शिक्षण सूत्र बनकर तैयार होते हैं, वो शिक्षण सूत्र है क्या हमारे फॉर्मूले, और फॉर्मूले हम क्यों लगाते हैं, फॉर्मूले क्यों बनते हैं, वो फॉर्मूले हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे शिक्षाविदों के उनके अनुभव होते हैं। उन अनुभवों का जो हम प्रयोग करते हैं, वो हम फॉर्मूले के रूप में करते हैं। तो इसीलिए ये सभी जो शिक्षण सूत्र हैं, ये हमारे सभी अलग अलग हमारे शिक्षाविदों की उनके अपने विचार थे, उनके अनुभव थे। तो ये हमारा पूर्ण से अंश की ओर, जो हमारे गेस्टोल हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी शिक्षण सूत्र पर कार्य किया, वो इसी को मानते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है, वो है हमारा प्रकृति के अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे पहले अनेकों शिक्षाविद हुए, हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे टैगोर जी का, यानी कि वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि हमें जो शिक्षा विद्यार्थी को दी जाए, वो शिक्षा कहाँ पर दी जाए, खुले वातावरण में प्रकृति के समीप रहते हुए। इनका मानना था कि हम जब तक विद्यार्थी प्रकृति के समीप नहीं रहेगा, वो अपना ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि बच्चों को अगर ज्ञान देना है, तो वो ज्ञान कहाँ दें हम, प्रकृति के समीप रहते हुए, यानी कि प्रकृति के समीप खुले वातावरण में विद्यार्थी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बजाय हम किसी भवन के नीचे जो हम ज्ञान प्राप्त करें, उससे अच्छा प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारे प्रकृति की ओर के लिए कहा जाता है कि जो हमारी भाषाओं का ज्ञान होता है, वो ज्ञान हम कहाँ ज्यादा अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति के समीप रहते हुए। इसके लिए प्रकृति के अनुसार हमें शिक्षा देनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो शिक्षा करने में अधिक अनुकरणीय होती है कौन सा हमारा प्रकृति का वातावरण, और प्रकृति के अनुसार ही हमें शिक्षा देनी चाहिए, ये मानते थे हमारे शिक्षाविद। अब हमारा जो लास्ट हमें हमारा इसमें लास्ट शिक्षण सूत्र है, वो है हमारा इंद्रियों का प्रशिक्षण, इंद्रियों का प्रशिक्षण, इंद्रियों का प्रशिक्षण। ये चीज हम पहले भी मानते हैं, और हमारे शिक्षाविद भी हुए, हम ये कहें कि हमारे फ्रॉबेल मॉन्टेसरी, ये हमारे जो अनेकों हमारे शिक्षाविद हुए, वो क्या मानते थे कि जो हमारे ये जो हमारे इंद्रियों के ज्ञान देना है, ये इसके प्रतिपादक थे। वो ये मानने की जानते थे कि हमारे जो इंद्रियों का ज्ञान होता है, वो हमारे ज्ञान का प्रवेश द्वार होता है। ये हम जानते कि सर्वप्रथम हम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो प्राथमिक ज्ञान होता है, वो प्राथमिक ज्ञान हमें इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है, यानी कि सर्वप्रथम ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसे हमारे ज्ञान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन सब का अधिकतम उपयोग हमें करना चाहिए। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, हमें आंख, नाक, कान, त्वचा, इन सब का जब हम ज्ञान प्राप्त करें, तो इन सब का हमें उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखें कि हम जो संवेदनशील सामग्रियों का हम काम में लेते हैं, वो जो हम देखते हैं, हम उपकरणों का
प्रशिक्षण दिया जाता है। हम उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, उनके माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो यहाँ हमें ये कहा जाता है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करें, हम शिक्षण की प्रक्रिया हम करें, तो उसमें हमें इंद्रियों का प्रशिक्षण जरूर देना चाहिए, हमें उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे 10 हमारे शिक्षण सूत्र थे। ये आज जो मैंने बताया आपको 5, ये प्रथम हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और प्रकृति का अनुसरण, यानी कि प्रकृति का, हमें प्रकृति के अनुसरण करते हुए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और लास्ट था हमारा इंद्रियों का प्रशिक्षण। तो बच्चों, ये हमारे शिक्षण सूत्र, हमारे शिक्षण सूत्र है ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो हमारे शिक्षण की प्रक्रिया है उसके महत्वपूर्ण कारकों में से सर्वप्रथम हमारा जो महत्वपूर्ण कारक है वो हमारा शिक्षण सूत्र है। 10 शिक्षण सूत्र मैंने आपको सामने बताए हैं। आपको इन सभी शिक्षण सूत्रों के बारे में आप जाने पढ़े। धन्यवाद।